माई चैनल किंगजोलॉजी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिश किडनी कि जो फिशेज हैं उनके अंदर किडनी किस तरह की होगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसकी शेप किस तरह से होगी उसका साइज कितना होगा एंड उसके फंक्शंस कौन से होंगे ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना है एंड शेयर करना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे शेप किडनी जो है इसकी शेप क्या होगी देखें कि ये जो है ना ये एलोंगेटेड होगी थोड़ी ना यूं इस तरह लंबूतरी सी ठीक है एलोंगेटेड होगी और ये होंगी भी कितनी टोटल दो होंगी ठीक है इस तरह से तो ये दो जो किडनीस है ना ये इसके अंदर प्रेजेंट होंगी इसकी लोकेशन देखी जाए तो देखें अब अगर हम ड्रा करती हूँ ना फिश को फिश इस तरह से ठीक है हम यूँ इस तरह से ड्रा करते हैं अगर मैं फिश का स्ट्रक्चर ड्रा ना तो ये इस तरह से ये इसकी डोरसल साइड ये उसकी वेंट्रल साइड और ये है वेटल कॉलम देखें अब फिश जो है ना यूँ इस तरह से ये जो है ना ये वाली साइड ये उसकी डोरसल साइड है अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं ये चीज़ आपको ना इस तरह से नहीं दिखा सकती किडनी कहाँ पर है मैं आपको यूंग करके दिखाऊंगी ठीक है अगर आप फिश को जूंग खोलते हैं उसको देखते हैं तो ये देखेंगे अब दरमियान में ये वाली जो चीज़ होगी ना ये वेटुल कॉलम रन कर रही है उसकी इस साइड पर एक किडनी होगी और एक किडनी इस साइड पर होगी ठीक है मतलब इस तरह से ये जो है ना ये वाली दरमियान मिडिल फिंगर इसको आप क्या समझ लें कि ये क्या है ये उसकी वटबल कॉलम है तो ये उसकी एक किडनी है और ये उसकी दूसरी किडनी है इस तरह से क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर होगा तो देखिए अब दरमियान में ये जो है ना ये क्या होगी ट्रबल कॉलम रन कर रही होगी ये एक किडनी ये दूसरी किडनी दो किडनी होंगी पैर आप में ठीक है और अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर किडनी होगी ये ट्रबल कॉलम रन कर रही है ना तो यहाँ पे होगी एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है कि देखिए अब इसके नीचे यहाँ पे ना एलिमेंट्री रन कर रही होगी यहाँ पे ये देखें इसके ऐसा फेगस होगी उसका स्टोमिक होगा उसकी इंटस्टाइन और ये सारा कुछ ये एनस तक जो है ना यूँ ठीक है ये सारा कुछ जो है देखें कि ये जो है ये एसोफेगस है और एसोफेगस जो है ना वहाँ से किनाल स्टार्ट होती है और ये एनएस पे ख़त्म होती है तो एलिमेंट्री किनाल के बिल्कुल ऊपर जो है ना किडनीज इसकी प्रेजेंट होंगी एंड किडनी का अब हम देखेंगे कलर क्या होता है इसका रेडिश कलर होता है बिल्कुल आपको सुरख कलर की नज़र आएंगी और किडनी इस तरह से होंगी ठीक है इसकी किडनी की जो है ना वो शेप भी इस तरह से होगी ठीक है एंड नेक्स्ट जो है देखें अब आता है यहाँ पे यूरिनो जेनीटल साइनस आता है ठीक है अब यूरिनो जैनिटल का मतलब यूरिन से निकला है ठीक है कि इसका मेन मकसद जो होता है ना किडनी का वो क्या होता है कि इसने क्या करना है एक ना लिक्विड प्रोड्यूस करना है ठीक है उस लिक्विड को इसने पूरी बॉडी से निकालना है पहले ठीक है निकाल के इधर कलेक्ट करना है कलेक्ट करने के बाद उसने उसको ना आगे फिर क्या करना है वहाँ से निकाल देना है बॉडी से रिमूव करना है इसने अब होगा क्या कि अब यहाँ पर जो है ना जितना भी मटेरियल होगा वो क्या होगा भाई उसने पूरी बॉडी से ड्रेन किया ड्रेन करने के बाद उसने जो एक्सटीरियर यानी आउटर साइड पे जो ओपनिंग्स थी जो डक्स तो वो क्या करेंगे उसको एंड तक पहुंचाएंगे और वो सिंगल डक होगी और फिर वहां से क्या होगा कि वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो अब वो जो सिंगल डक है जहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल रही है। ये देखिए अब ये है ना तो ऊपर से ये देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री के नाल जो रही है ठीक है अब जो फिशज़ होती है ना उनमें सेम होता है ठीक है सेम ओपनिंग होती है ठीक है अब वो चाहे वो ये है क्लोएकल है ठीक है या एलिमेंट्री कैनल से आ रही है या फिर वो किडनी से आ रही है इनकी सेम ओपनिंग होगी तो ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या कह रहे हैं ये क्या है ये, ये यूरीजेनियल साइनस है ये बहुत बड़ी होती है लार्ज होती है और दोनों के लिए सेम होती है ठीक है मतलब आपको कहो ना कि जितना वेस्ट मटीरियल होता है चाहे वो सॉलिड है वो उसके लिए भी यही होगी और जो यूरिन होगा उसके लिए भी यही चीज़ ओपनिंग जो है वो सेम होगी एंड नेक्स्ट जो हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर को कि ये वाला जो है ना ये वाली जगह इसको हम कह रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है स्टोर करता है सबसे पहले ठीक है इसने क्या करना है जितना भी यूरिन होगा बॉडी से उसको पहले स्टोर करेगा देन उसको जो है ना वो आगे लेके जाए देखें यूरिनरी ब्लैडर है ना तो ये प्रेजेंट होता है कुछ फिशज़ में बोनी फिश में खास तौर पे कुछ ऐसी फिश होंगी जिनमें ना ये यूरिनरी ब्लैडर पहली बात हो गई नहीं क्योंकि ये दोनों मिक्स है ना जिसमें एक स्पेसिफिक उसका नहीं होगा एंड ये बनता किससे है ये जो मीजोडर्मल हो गया या फिर एंडोडर्मल हो गई ठीक है उनके सेल्स से ना ये बन रहे होते हैं जब एम्ब्रियो बनता है ना तब एम्बरियोने जब ओरिजिन होता है देखें कि ये है एक्टो ठीक है और ये है एंडो अब होगा क्या कि एंडो से कुछ सेल्स निकलेंगे ठीक है एंड साथ में ये जो दरम्यान वाली लेयर है ठीक है मीजो इसमें से भी कुछ सेल्स निकलेंगे और फिर क्या बनेंगी ये किडनीज जो है ना ये बन जाएंगी तो इस तरह से इनकी जो फॉर्मेशन होती है और ये यूनिटी जो है ना ब्लैडर बनता है कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा ये फ़िशेज़ की स्पीशी पर डिपेंड करता है नेक्स्ट जो तो है वो हम देखेंगे बेसिक टाइप्स जो है ना किडनी की कि वो कौन कौन सी हैं फ़िश में डिफरेंट फिशेज़ को हम डिस्कस करेंगे और साथ में उनके अंदर जो है ना वो टाइप्स उनको भी देखेंगे तो देखेंगे जो किडनीज़ होती हैं ये हम क्या करते हैं कि किडनी से हम किसी भी फिश को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमें पता लग जाता है कि अभी हम देखेंगे कि जो है किडनीज़ ठीक है वो कितनी टाइप्स की हैं एक प्रो नेफ्रिक है और एक है मीजोनेफ्रिक ये दोनों किडनीज जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं फिशेज के अंदर एंड डिफरेंट स्पीशीज़ में होती हैं कुछ मैं प्रोनेफ्रिक होंगी कुछ में जो है ना वो मीजो नेफ्रिक जब फिशिज उनके अंदर किडनीज वगैरह होंगी फिशिज़ के अंदर और ये भी डिपेंड करती हैं उनकी स्पीशीज की टाइप की कौन सी स्पीशीज की टाइप है सबसे पहला काम इसका क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट जितना बॉडी से है ब्लड से उसको सभी को कलेक्ट करना है और बॉडी से बाहर निकालना है एक्सक्रीशन का काम होता है दूसरा होम्योस्टैसिस होता है वाटर साल्ट का सारा इसमें बैलेंस करना होता है एंड थर्ड जो है हम देखेंगे कि इसमें जो है ना बहुत सारे ट्यूब्यूल्स यानी नेफ्रोन लाइक -like स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं पूरा रोल प्ले करते हैं और जितना भी हम किडनी का फंक्शनल यूनिट है ना वो नेफ्रोन को कहते हैं जिसके फंक्शन भी है और उसके ना स्ट्रक्चरल यूनिट भी है तो यही क्या करेगा पूरी बॉडी से सारा जितना भी ब्लड होगा उसको फिल्टर करेगा और उसके बाद सारा वेस्ट मटीरियल वहाँ से निकाल देगा कुछ ऐसी फिश भी होती हैं जिनमें जो किडनीस होती हैं ना वो लेटर लाइफ में क्या होती हैं फंक्शनल होती हैं एंड उनके अंदर जो है ना जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं तो उनके अंदर डिफरेंट जो है ना जो प्रो है ना ये सबसे ओल्ड किडनी है ठीक है सबसे पहले वाली जो मीज़ो है ये जो है ना ये आप मिडल कह लो ठीक है उसके बाद जो है ना वो आती है मेटा ठीक है जो नेफ्रिक जो किडनी है ये होती है ह्यूमन्स के अंदर ठीक है जो कि एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती है प्रॉपर होती है उसके प्रॉपर साइज होता है उसके प्रॉपर फंक्शन होते हैं ठीक है ये परफेक्ट किडनी है ये सबसे जो है ना लेटेस्ट है जो कि ह्यूमन्स के, के अंदर होती है ये जो मिडिल है ये दोनों उसके अंदर होती हैं ये ओल्ड है सम टाइम क्या होता है कुछ फिशज़ के अंदर ना अर्ली स्टेजेस में ये वाली किडनी होती है फिर उसके बाद जब वो डेवलप होती है तो वो क्या कन्वर्ट हो जाती है मीजोन एफ्रिक किडनी के अंदर डेवलप हो जाती है इस तरह से क्या होता है कि इनके जो फंक्शन है ना वो चलते रहते हैं तो उनकी किडनी से हम क्या करते हैं हिसाब लगा लेते हैं कि एवोल्यूशन में क्या रोल है किस तरह से ये एवोल्यूशन में जो है ना रोल प्ले कर रही हैं तो ये भी हमें पता लग जाता है एंड सम टाइम क्या होता है कि जो लम्फाइड ऑर्गन होते हैं ना ठीक है उसमें ये डेवलप हो जाती हैं कन्वर्ट हो जाती हैं अभी जो है हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो टिलियोस्टीन है ठीक है यानी कि बोनी जो है उनके अंदर किस तरह से किडनी जो होती है वो डेवलप होती है देखिए किडनी जो है अब इसकी भी एक हेड होता है फिर इसकी एक ट्रंक होती है और लास्ट में उसकी ना एक टेल होती है तो ये किडनी का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि किडनी के जो है ना बेसिकली जो पार्ट हैं ठीक है टेल जो होती है वो उसकी सब होती है वो हमें इतनी ज़्यादा नजर नहीं आती इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक उसका हेड और दूसरा उसकी ट्रंक ये दो पार्ट्स हम उसकी डिस्कस करते हैं किडनी के जो किडनी का हेड है समझ लें कि ये किडनी का हेड है तो इसके जो ओरिजिन है वो प्रोनेफ्रिक है और इसका एक्सक्रीशन में कोई इतना ख़ास रोल नहीं है ठीक है ये इसका एंडोक्राइन में रोल है मतलब ये क्या करेगा ये ना हारमोन्स वगैरह रिलीज़ करेगा जो उसका हेड है लेकिन जो उसकी ट्रंक है ट्रंक आप ये समझ लें यू इस तरह से जो उसकी ट्रंक है ना वो क्या कर रही है उसके वो मिजोनेफ्रिक ओरिजिन है उसका और ये एक्सक्रीटरी फंक्शन कर रही है जितना ब्लड है वो यहाँ से गुजर रहा है जो ठीक है उस सब में से क्या कर रही जितने है जितने फ्लूड वगैरह हैं एक्स्ट्रा फ्लूड आयन्स वगैरह वेस्ट वगैरह वगैरह जो है नाइट्रोजनस वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ना वो फिश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये प्रोटीन की डाइट जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा फीड कर रही होती है तो वो क्या होगा कि वो यहाँ से ना फिल्टर होगा और यहाँ पे जितनी भी गंदगी है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी ठीक है और वो आगे फिर फिपलेटर में जाएगी और रिप्लेटर से फिर आगे बॉडी से एन पॉइंट से रिलीज़ हो जाएगी एन पॉइंट दोनों के लिए जो है ना वो इकट्ठा होता है टुगेदर होता है मेरीन वाटर जो टिलियस्टीन किडनी है उनकी हम टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं टाइप वन में क्या होता है उसका हम किडनी फ्यूज़ कहते हैं मीन कि वो इस तरह से होगी उसमें हेड और ट्रंक दोनों फ्यूज़ होंगे पता नहीं चलेगा एंड uh, जिस तरह के जो है ना क्लोपीडी फैमिली उसके अंदर जितनी फिशेज आती हैं उन सब में ये दोनों मिक्स होते हैं ठीक है ये फ्यूज़ किडनी उसके अंदर प्रेजेंट होती है जो टाइप टू है इसमें क्या होगा कि हेड जो है ना वो अलग पता लगेगा कि ये हेड है और जो ट्रंक होगी ना वो भी अलग पता लग रही होगी कि ये ट्रंक है तो इस तरह क्या होगा हेड और ट्रंक दोनों डिस्टिंक होंगे तो इस वजह से जो है ना इसको हम टाइप टू कहते हैं और हेड ट्रंक डिस्ट्रिंक ये किडनी भी कहते हैं यह किडनी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं तो इससे क्या होगा कि उनकी जो पोर्शन है वो बन जाएंगे जैसे हमें पता लगेगा उसका इंटीरियर पोर्शन कौन सा है उसका मिडिल कौन, कौन सा है उसका पोस्टीरियर कौन सा है ठीक है हमें ये भी पता लगेगा कि ये उसका इंटीरियर है ठीक है ये उसका मिडल वाला है और ये जो है ना ठीक है जहाँ पे वो आगे ट्यूब्स के साथ मिल रहा है ब्लडर आगे जा रहा है तो ये क्या है ये उसका पोर्शन है पोस्टीरियर वाला तो हमें ना तीन उसके पोर्शन मिल जाएंगे ये इंटीरियर हो गया ठीक है और ये जो लास्ट वाला है ना ये इसका पोस्टीरियर हो गया जो आती है ना प्लोटोसिडी फैमिली उसमें इस तरह की किडनीज जो जाने है ना ये प्रेजेंट होती हैं टाइप थ्री जो है इसमें डिस्टिंक हेड होगा ट्रंक जो होगी ना किडनी ठीक है वो बट पोस्टीरियरली फ्यूज हो जाएगी ट्रंक है लेकिन वो पिछले वाली साइड से पोस्टीरियर वाली साइड से क्या है फ्यूज है ठीक है तो अब इसमें क्या है कि देखें आगे से ना इसको फर्दर डिवीजन है कि डिस्टिंग किडनी जो है उसमें पोस्टीरियर पार्ट जो होंगे वो फ्यूज हो जाएंगे एंड पोस्टीरियर पार्ट जो है ना उनकी मेन मकसद ही क्या है वो फ्यूज़ है जैसे कि ये देखें ये इसका हेड है ठीक है उसकी ट्रंक है ना तो ट्रंक जो है ना ऐसे ही फ्यूज़ हुई भी है पते ही नहीं चल रहा ब्लेडर कहाँ है ऐसे ही ट्रंक जो है ना वो आगे जा रही है ठीक है तो इन में क्या होगा कि ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ना ये वाला सारा ठीक है ये सारा का सारा फ्यूज़ हो गया नहीं समझ आ रही मिक्स हो गया ठीक है तो इस वजह से हम कहते हैं ये टाइप थ्री है एंड इसमें आप जो है ना वो याद कर लो ये वाला याद कर लो कोटीडी ठीक है ये पूरी फैमिली है जिसमें जितनी फिश जो टाइप फोर किडनी होगी ना इसमें कोई डिस्टिंगशन नहीं है ठीक है ये क्या होगा हेड एंड ट्रंक दोनों फ्यूज़ एमी होंगी और जैसे कि ये देखें ठीक है ये इसमें दोनों जो है ना वो फ्यूज़ एमी है, है अगर ये एक किडनी है ना तो इसमें हेड एंड ट्रंक का पता नहीं चल रहा कि हेड कौन सा है ट्रंक कौन सी है ठीक है सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उसका हेड है, है ये उसकी ट्रंक है लेकिन पोस्टीरियर साइड पे तो मुकम्मल तौर पे फ्यूज़ हो जाते हैं तो कुछ इतने ज़्यादा समझ नहीं आती ये टाइप फोर आ गई टाइप फाइव जो है ना बल्कि इसमें हम सबसे पहले अगर देखते हैं एग्ज़ाम्पल तो हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है इसकी पाइप फिश की आ जाती है पाइप फिश होगी या सी हॉर्स होगी इन दोनों में इस तरह की किडनी होती है टाइप नंबर फोर वाली किडनी लेकिन टाइप नंबर फ़ाइव जो है इसमें क्या है कि इसमें किडनी जो है ना वो मुकम्मल मुकम्मल सेपरेट होती हैं ठीक है उनकी लेंथ हर चीज़ वो सेपरेट होती हैं और कम्प्लीटली सेपरेट इनको किडनी कहते हैं ये इस तरह से ये देखें ये एक किडनी है ठीक है जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रा करके दी है ना ऊपर वो एक एक किडनी कि की ड्रा मैंने अब यहाँ पे दो दो किडनीज जो तो है वो टुगेदर बता रहे हैं कि ये अलग उसकी एक किडनी ये इसकी दूसरी किडनी और दोनों की जो है ना जो यूरिटर्स होती हैं जो हम कहते हैं कि ये उनकी क्या तो इस तरह से ये दोनों जो है ना आपस में क्या हो रही होंगी एंड फ्यूज हो रही होंगी ठीक है तो ये दोनों जो है ना ये किडनी है इसका नंबर फाइव वाली किडनी कहते हैं क्योंकि दोनों किडनीज होती हैं ना आपस में एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे सेपरेट होती हैं जैसे कि हम जो है ना एंगलर फ़िशज़ होती हैं जो सबसे नीचे होती हैं जिनके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं और मतलब मुख्तु फ़िश को खाती हैं तो एंगलर फ़िश के अंदर ये जो चीज़ है ना ये ज़्यादा होती है जो टाइप वन थी वो इस तरह से थी कि उसमें दोनों किडनियाँ जो है ना मतलब ये देखें ये समझ लें ये एक किडनी है तो ये जो दूसरी किडनी है अब किडनियाँ ख़ुद भी फ्यूज हैं उनमें हेड और ट्रंक का भी नहीं पता चल रहा इसमें क्या था डिस्टिंगशन थी हेड जो थे वो अलग थे लेकिन बाकी जो ट्रंक है ना दोनों की वो मिक्स हो गई थी वो इतनी ज़्यादा में पता नहीं चल रही थी और इसमें जो है ना ठीक है टाइप थ्री इसमें क्या था कि हेड जो है वो तो डिस्टिक हो रहा था ये हेड तो पता लग रहे हैं कि ये एक किडनी का हेड है ये दूसरी का है लेकिन पीछे से जो ट्रंक है ना वो सारी मिक्स हो गई है वो नहीं समझ आ रही है. और टाइप फोर में क्या हुआ कि हेड और ये दोनों जो है ना मिक्स हुई है नहीं समझ आ रही है. और पोस्टीरियरली जो है ना ये दोनों क्या हैं और जो लास्ट वाली है फाइव टाइप उसमें ये दोनों की दोनों जो है फ्यूज हो जाएंगी ठीक है लास्ट से फ्यूज़ होंगी ऊपर से ये दोनों मुख्तलिफ किडनीज़ जो है ना हमें नज़र आ रही है जिस तरह की की नहीं होती है, ठीक है लेकिन वो थोड़ा सा और इनका स्टक्चर में चेंज आता है थोड़ी और कम्प्लेक्स होती हैं यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड भी होता है सारा कुछ तो वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है लेकिन ऐसा है कि एंड पे ना ये वाली शेप आ जाती है ये नंबर फाइव वाली तो ये जो थी ना ये मेरीन जो टिलियोस बोनी बोनीफिश थी अब हम फ्रेश जो है ना उनके बारे में देखेंगे अब ये फ्रेश का देख लें किस तरह से जो है ना इनकी किडनीज़ होती हैं इनकी स्ट्रक्चर्स हैं एंड अभी हम इसको पढ़ेंगे कि ये किस तरह से होती है फ़्रेश जो टीलियसिन किडनी है ना वो किस तरह से देखिए बेसिकली अब जो है हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर हो गया ठीक है एंड साथ में मेरीन वाटर हो गया इसमें अब किडनी डिफरेंस क्यों है इतना ज़्यादा किडनी का डिफरेंस क्यों आ रहा है क्यों हम नहीं इसको अलग पढ़ना है और इसको अलग पढ़ना है उसकी बेसिक वजह ये है देखें आप ये स्ट्रक्चर पहले देख लें कि ये देखें ये स्ट्रक्चर है मेरीन के और ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ना ठीक है ये फ्रेश के हैं तो ये क्यों आ रहे हैं इनका बेसिक जो मकसद है कि इस ये वाटर जो होता है ना ये साल्टी वाटर है ठीक है साल्टी वाटर है और इसमें जो है ना साल्ट आप ये कह लो कि बिल्कुल फाइव परसेंट तक साल्ट इसमें होते हैं लेकिन इसमें जो है ना हंड्रेड परसेंट होते हैं तो किडनी को यहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इस वजह से इनके जो है ना ये देखिए ये जो किडनी से ये देखिए ना फ्रेश वाटर की तो ये बिल्कुल पतली पतली सी ठीक है ऐसे स्लिम स्मार्ट सी हैं लेकिन इधर जो है ये इतनी बड़ी बड़ी हैं ठीक है क्योंकि इन्हें साल्ट का बैलेंस करना है वाटर के साथ होमियोस्टैसिस में इनका रोल है एक्सक्रीशन करनी है तो यहाँ पे इनको ज़्यादा इफेक्ट करनी पड़ेगी लेकिन यहाँ पे साल्ट कम है तो अब यहाँ पे किडनी का फंक्शन है इसमें लेकिन बहुत कम है इतने लेवल का नहीं है कि उसकी किडनी जो है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छे वाली डिवेल्प हों तो इस वजह से अभी हम यहाँ पे इसकी कुछ टाइप्स देखेंगे इस किडनी की कि देखें कंप्लीटली फ्यूज भी हो सकती हैं डिस्टिक हेड एंड ट्रंक भी हो सकती हैं किडनीज में और डिस्टिक हेड है लेकिन जो ट्रंक uh, है ना ठीक है वो पोस्टीरियर पार्ट से डिफ्यूज़ हुई भी है पार्ट वन में अगर देखा जाए तो फ्यूज है स्लमोन फैमिली जो है ना वो इसके अंदर आ जाती है दूसरा टाइप टू देखा जाए तो उसमें हेड ट्रंक जो है दोनों डिस्टिंग है इसमें जो सिपरिन फैमिली है वो आ जाती है जैसे कि कार्प्स होती हैं कार्प्स हम मोस्टली जो है ना वो खाते हैं ठीक है एंड uh, जो टाइप थ्री है इसमें हेड जो है वो, वो तो ठीक है लेकिन जो ट्रंक है ना वो पोस्टीरियरली पोस्टीरियरलीफ्यूज होगी है वो पीछे से ना मतलब जुड़ी हुई है और इसकी जो एग्जांपल है वो कोटिडी जो फैमिली है ना ठीक है वो इसकी आ जाती है एग्जांपल अब हम जो है ना कुछ डेवियशंस पढ़ेंगे डेवियशंस में मतलब होता है ठीक है फ़र्क फर्क, फर्क यानी आपने उनमें ना थोड़ा सा चेंजेस देखनी है थोड़ा सा डिफरेंस देखना है, है वही चीज़ लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा डेविएशन अगर टाइप वन में देखी जाए हमने कहा है कि टाइप वन में हेड और किडनी दोनों फ्यूज़ होंगे पता नहीं चल रहा होगा हेड कौन सा है किडनी कौन सी है ठीक है किडनी की ट्रंक मतलब कौन सी है तो यहाँ पे टाइप वन में क्या है कि इसमें क्लियर कट हमें नहीं मिल रहा था लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना डिस्टिंक्शन हो जाएगी क्लियर कट पता लग जाएगा कि हेड कौन सा है ट्रंक कौन सी है ठीक है ये इसके अंदर डेविएशन होगी टाइप वन में इस वजह से हम इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कह रहे होंगे इसको हम कहते हैं एश तो यहाँ पे कलेक्टिवली जो है ना ट्रंक होगी हेड होगी इसको हम कहते हैं एसथमस ठीक है इस थमस। अब ये जो है ना ये अब कलेक्शन की फॉर्म में है अब ये सीरी हैंडस मेरी गला जो है ना उसके अंदर ये इस तरह से किरणी मौजूद होती है ठीक है अब ये टाइप वन में डेविएशन की वजह से आई है तो नेक्स्ट जो है अभी हम देखेंगे हिस्टोलॉजी देखेंगे कि हिस्टोलॉजी क्या है किडनी की मीन्स के उनके जो सेल्स हैं उसमें कौन कौन से हैं और उनमें हार्मोन या ईटीसी ये सारा कुछ हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे तो देखें सबसे पहले अगर हेड है हैड देखें तो हेड के अंदर क्या है लेम्फाइड सेल्स जो होंगे ठीक है लैम्फाइड हो गए ठीक है हिमाटोपोटिक हो गए इंट्रस्टिशियल हो गया फ्लूड भी वहाँ पे होता है और क्रोमाफिन जो है ना टिश्यूज़ भी वहाँ पे होंगे और साथ में जो है ना यहाँ पे रेनल कैप्सूल्स वगैरह या ट्यूब्यूल्स जो है ना ये भी सारे होंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होंगे हेड जो होगा ना किडनी का उसके अंदर देखिए मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि जो हेड है ठीक है मैं एक किडनी ड्रा करती हूँ ना तो ये जो हेड है उसका इतना काम नहीं होता ये किस तरह की मतलब हम कहते हैं ना कि एक्सक्रीटरी फंक्शन में नहीं है ठीक है तो जो बाकी इसकी ट्रंक होती है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन में होती है इन्वॉल्व होती है तो अब देखें कि जितना नेफ्रोन है या कलेक्टिंग डक्स वगैरह होती हैं ठीक है वो सारी की सारी उसके हेड में मौजूद होती हैं ठीक है और जितनी उसके लैम्फाइड टिश्यू वगैरह ये सारा कुछ जो है ना उसके हेड में है अब हेड से क्या होगा अब उधर वहाँ ग्लो मेरोलेस भी नहीं है और साथ में जो रिनल कैप्सूल्स हैं वो भी मौजूद नहीं, नहीं है ये दोनों एपसेंट होंगे लेकिन नेफ्रोन और कलेक्टिंग डक्स होंगी वहाँ से ये क्या करेंगी सारा वेस्ट जो है ना यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा ठीक है सारा जब कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो ट्रंक आ जाएगी ट्रंक में क्या होता है कि बहुत सारी ना यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होती हैं ठीक है लंबी लंबी नालियाँ होती हैं लंबी लंबी जो है ना ट्यूब्स हैं तो उनको हम ट्यूब्स को जो है ना वो नैफरस भी कह रहे हैं तो उन्हीं ट्यूब्स के जरिए क्या होगा कि जितना भी वेस्ट मटीरियल होगा ना ठीक है वो आगे फर्दर नेक्स्ट जो है मूव करेगा एंड लम्फाइड टिश्यूज़ जो है ना वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं तो देखें जो यूनिटी ट्यूब्यूल्स हैं ना उन्हीं को नेफ्रोन कह रहे हैं ठीक है ये मैंने आपको बोला ना कि ये लंबी लंबी ट्यूब्स हैं ये क्या होंगी ये इसकी एक तरह की नेफ्रोन है और ये पूरा यहाँ पर जो टिशू है ना यहाँ पर ये जो जितना टिशू है ठीक है ये पूरा जो टिशू है इसको हम क्या कह रहे हैं ये कौन सा टिशू है ये, ये लम्फाइड टिशू है और आगे वो क्या है कि अब इनमें क्या होगा बहुत सारी मेलफिजन जो है ना कैप्सूल्स वगैरह होंगे या फिर रिनल कैप्सूल्स होंगे और बहुत सारी ना आगे ट्यूब्यूल्स होंगी और फर्दर ट्यूब्यूल्स होंगी ठीक है अब उनका फ़ायदा क्या होगा उनका फ़ायदा ये होगा कि उससे जितना भी मटीरियल हैं ठीक है जितने भी आइन्स हैं है और बाकी चीज़ें हैं वो जो फिल्टर हो गई हैं ठीक है हो सकता है कि ज़्यादा सारा जो है ना ब्लड के अंदर ज़्यादा सारे आयंस चले गए हों बहुत सारी जो फ़ायदेमंद चीज़ें वो भी चली गई हों ज़्यादा सारा वाटर भी चला गया हो तो उन सबको क्या करना है दोबारा से दोबारा री एब्जॉर्शन करनी है तो वो इसके लिए मेलफिजन कैप्सूल्स वगैरह होंगे रेनल का जो है ना जो है कॉर्पसल्स ये सारे मौजूद होंगे ट्यूब्यूल्स होंगी जो क्या करेंगे उस चीज़ को वापस वापस ना लेके आएंगी री एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगी अभी हम नेफ्रोन जो है फ्रेश वाटर टेलीओस्ट का उसको डिस्कस करेंगे उनका नेफ्रोन किस तरह से होता है अब देखिए नेफरोन के अंदर बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक उसका ट्यूबुलर पार्ट होता है और एक उसका ग्लोमेरुलस होता है तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि उसका ग्लोमेरुलस किस तरह होगा और उसके ट्यूबुलर पार्ट जो है ना वो किस तरह से होगा फिशि के अंदर मेजो किडनी के अंदर मेजोन किडनी आपने याद रखना है तो अभी इतनी डिवेल्प नहीं है ठीक है इतनी डिवेल्प नहीं है वो अंडर डिवेल्प है मिडल स्टेज है उसकी तो अभी हम इसके जो है ना कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं ठीक है ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगी लेकिन एक डायग्राम में बताऊंगी तो ये डायग्राम है देखें कि ये वाला जो पूरा है इसको आप रेनल कैप्सूल भी कह सकते हो इसके अलावा आप इसको जो है ना मेलफिजियन ट्यू जो है ना ट्यूब्स भी कह सकते हो या मेलफिजियन कैप्सूल कह सकते हो ट्यूब्यूल्स कह सकते हो ये इस तरह से इसके तीन चार नेम है इसको आप गोमेरुलेस सिंपल कह लो तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया ठीक है रेनल कैप्सूल हो गया उसके बाद इसके नीचे आ जाती है नेक ठीक है ये इसका दूसरा पार्ट होता है ठीक है ये इसकी नेक होती है दरमियान में ये जो ल्यूमन है ना ये थोड़ी सी स्पेस होती है इसमें यहाँ से फिट जो नेक है यहाँ पे जो है ना ये जो सेल्स हैं ये सारे के सारे सेल्स होते हैं इसके पूरे बॉर्डर पे जो है ना प्रेजेंट होते हैं एंड ये सिलेटेड होते हैं ठीक है थेके? इनके ऊपर सिले लगे होते हैं या आपको बताऊँ ना तो ये इस तरह कॉलमिनार सेल्स हैं लंबे लंबे रेक्टेंगल शेप के दरमियान में ये जो है ना इनका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है एंड इनके ऊपर जो है ना यू इस तरह से क्या लगे होते हैं सिलिये लगे होते हैं ठीक है थेके? अब यही जो सेल है ना ये आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं अरेंज हुए हुए ठीक है एड इस तरह से सिलिया आई ये देखें ठीक है तो इस तरह से ये सेल्स जो है ना ये मौजूद होते हैं इसमें नेक रीजन में उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाता है फर्स्ट पे प्रोक्मल पार्ट आ जाता है अब ये बोला ट्यूबुलर पार्ट है जिसके अंदर क्या होगा सारी रीऑब्जॉर्बन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी एंड यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर जो है और न्यूमरस जो माइटोकॉन्ट्रिया वगैरह है ना वो यहाँ पे लेस डेवलप होंगे इधर जो सेल्स हैं इनके ठीक है इनके, इनके भी ब्रश बॉर्डर वाले जैसे यहाँ पे इस तरह सेल्स होंगे ना और यहाँ पे ऐसे ना ब्रशेस बने होंगे ठीक है ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा ज़द। जो नेक है यहाँ पे जो है ना ये जो सेल्स हैं ये सारे के सारे सेल्स होते हैं इसके पूरे बॉर्डर पे जो है ना प्रेजेंट होते हैं एंड ये सिलेटेड होते हैं ठीक है इनके ऊपर सिलिये लगे होते हैं यह आपको बताऊँ ना तो ये इस तरह कॉलमिनार सेल्स हैं लंबे लंबे रेक्टेंगल शेप के दरमियान में ये जो है ना इनका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है एंड इनके ऊपर जो है ना यू इस तरह से क्या लगे होते हैं सिलिये लगे होते हैं ठीक है अब यही जो सेल है ना ये आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं अरेंज हुए ठीक है एड इस तरह से सिले आई ये देखें ठीक है तो इस तरह से ये सेल्स जो है ना ये मौजूद होते हैं इसमें नेक रीजन में उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाता है फर्स्ट पे प्रोगीमल पार्ट आ जाता है अब ये बोला ट्यूबुलर पार्ट है जिसके अंदर क्या होगा सारी रीअब्जॉर्बशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी एंड यहाँ पे देखिए जो थर्ड है ना ठीक है थर्ड पार्ट उसको हम कहते हैं प्रोगजीमल सेगमेंट और ये फर्स्ट सेगमेंट है इसमें जो है ना मतलब बहुत ही एफिशेंटली यहाँ पे ना ब्रशेस डिवेल्प होंगे इस तरह के सेल्स होंगे जो नेक्स्ट uh, पार्ट है ठीक है उसको सेकंड प्रोगल सेगमेंट कहते हैं तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे ना उनके ऊपर जो ब्रशेस होंगे वो लेस डेवलप होंगे लेकिन इधर जो है ना वो ज़्यादा डेवलप हुए हुए हैं अब उसकी वजह क्या है कि इन्होंने क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट जो है ना उनको बचाना है ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट आइन से होते हैं ठीक है जैसे एन जैसे कि हम कहते हैं ना एन पॉजिटिव है ठीक है? है या सी पॉजिटिव है एम पॉजिटिव है एंड के जो है ना वो पॉजिटिव तो इन सारे एंड्स को सील नेगेटिव इन सब को बचाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल्स है ना उनके ऊपर ब्रशेज ज़्यादा होते हैं इस वजह से यहाँ पे पूरा एक बॉर्डर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर तो ब्रश बॉर्डर बनेगा लेकिन वो ज़्यादा जो है ना एफिशिएंट होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्फेस एरिया हो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस को वो क्या करें कलेक्ट करें क्योंकि ये फ्रेश वाटर है फ्रेश वाटर में आपको पता है कि पहले ही क्या होता है कि जो साल्ट हैं वो फाइव परसेंट है तो वो जो फाइव परसेंट गए हैं ना अंदर बॉडी में बल्कि उससे भी कम गए होंगे तो उनको बचाना है उनको यहाँ से वो नहीं ज़ाया होना देना चाहते तो इस वजह से वो उनको क्या कहते हैं यहाँ पर रीअब्बॉल्व कर लेते हैं यहाँ से बाहर निकल जाता है जो सेकंड पार्ट है ना सेकंड प्रोजीमल यहाँ पे भी ये ब्रश सेल्स होंगे पूरा ब्रश बॉर्डर होगा लेकिन यहां तक होगा और उसमें क्या है कि उसमें ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे क्योंकि यहां तक साढ़े साठ तकरीबन तकरीबन एब्जॉर्व हो जाते हैं जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो एबजॉर्व होंगे तो वो तो इतने ज्यादा जो है ना ब्रशेस की इधर जरूरत नहीं है इस पूरे वरी जगह पे एंड नेक्स्ट uh, जो है देखिए उसके बाद डिजिटल आ जाएगा तो डिजिटल सेगमेंट जो है ना यहाँ पे ना ऐसे ना क्लियर सेल्स होंगे ठीक है ऐसे ना क्लियर सेल्स होंगे और उनके अंदर जाना वो निकलेस होगा और उनकी जो पूरी पूरी लाइनिंग यहाँ पे बनी हुई होगी एंड ये एलोंगेटेड इनके अंदर ना जो है वो ज़्यादा होंगे जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसे सेल्स होंगे ना ठीक है जिनका निकलेस है तो उनके अंदर एलोंगेट लंबे लंबे यूँ इस तरह से ना माइटो लंबे लंबे होंगे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो यूज़ करनी है एनर्जी यूज़ करनी है ताकि जितना भी साल्ट है वो ख़त्म हो जाए यहाँ पे कोई भी साल्ट आगे फर्दर बॉडी से रिलीज़ ना हो तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा सर इनको जोर लगाना पड़ेगा ज़्यादा सर एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी के लिए माइडोकॉन्ड्री एलोंगेटेड होंगे थोड़े लंबे लंबे होंगे एंड उसके बाद जो है ना कलेक्टिंग डाक आ जाएगी यहाँ पर सारा का सारा यूरिन जो है वो कलेक्ट होगा और यहाँ पे जो सेल्स होंगे ना है इस तरह से सेल्स होंगे उनको हम कहेंगे गोबलेट सेल्स तो गोबलेट सेल्स जो होंगे ना ये क्यूबैडल होंगे क्यूब लाइक्स होंगे इस तरह से ठीक है